लड़की लड़की तो बताई नहीं कि तीन गाड़ी रहती थी इनके पास। कहाँ पे रहती थी? इनके साथ बाबा के साथ तीन लड़कियां रहती थी। तीन गाड़ी मतलब एक बार खुल के बता दीजिए। तीन गाड़ी लड़कियों की 12 से 17 के बीच में रहती थी इनके साथ। और जब ये पकड़े गए थे, बड़ा संगीन आरोप लगा रहे उन ये लोग, पकड़े गए जब इसे बाबा यहाँ आए भी नहीं है। कहानी ये एजेंट लोग सुनाते हैं कि हमारा ये हो गया, भला हो गया, ये भला हो गया, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। बाबा यहीं पैदा हुए, यहीं सारे काम किए, पुलिस में नौकरी की, उसके बाद भगवान का अवतार नहीं है बाबा। अरे भगवान का अवतार तो हुआ ही नहीं है, कलयुग में होगा ही नहीं, कैसे भगवान हो सकता है? इंसान को भगवान समय तो कहता नहीं। भोले बाबा और सूरजपाल के गांव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाबा पर भरोसा करते हैं, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो बाबा के विचारों से इत्तेफाक नहीं रखता, उन्हें ये बात कोरी बकवास मालूम पड़ती है। ऐसे ही कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दादा नाम बता दो एक बार आप अपना। मेरा नाम महेश चंद है। अच्छा, तो बाबा यहाँ पे रोग खत्म करने की दुकान लगाते हैं, क्लिनिक खोल रखा है उन्होंने, तो आप लोग इलाज कराने जाते हो कि नहीं? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मैं पकड़ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक तांत्रिक है। अच्छा, पब्लिक को बहका देते हैं और इनके जो ये नहीं है सिक्योरिटी फोर्स बना रखा है। हाँ, सेवादार कमांडर। हाँ, कमांडर है, कोई अधिकारी है बड़ा है, ये एजेंट है। अच्छा, ये पैसा मतलब इधर को उधर करते हैं इनके द्वारा, और यहाँ कुछ नहीं है, पब्लिक भड़काई जाती है, एजेंट भड़काते हैं, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा। और नल से जो पानी अमृत निकाल देते ये वो? ये पब्लिक कहती है कि ये बाबा जी ने उंगली से नल को बैठाल दिया है, उंगली से गाड़ दिया। अच्छा। इसमें दूध निकलता है और हम लोग डेली के आने जाने वाले पड़ोसी हैं, हमने कभी उसमें दूध पानी के अलावा दूध है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से? पानी भी तो ताकतवर है, रोग खत्म कर देता है। अरे तो फिर हम आगरा क्यों फिर मरे? हम तो यही रोग अपना खत्म करें। सब हमारे अड़ोस पड़ोस के आगरा क्यों जाते हैं लोग? तो इतनी बड़ी इमारत कहाँ से खड़ी कर रखी है? इमारत ये एजेंटों ने करवा दी, बनने गई, बाबा ने उसका भला किया, बाबा ने उसका भला किया। अब अलीगढ़ के वो आते थे लल्ला बाबू, वो भी एजेंट थे और उन्हीं के जो ताबीज बिछुआ, ताबीज जो भी है। अच्छा, करता क्या है बाबा, मतलब यहाँ पे कर्मकांड क्या क्या होते हैं? कर्मकांड तो इनकी एक बार बरात आई थी, वो नंगला हरू है, भिखाई नंगला से, और बरात तो आई थी। वैसे इनका करते क्या है, लोग क्यों आते हैं इनके पास? इनके पास वो ये एजेंट जो इनके लगे हुए हैं जे, और वो ही इकट्ठा करते हैं, और वो ही आप आए बाहर से, आपको बताया यहाँ ये ऐसा होता है, इसमें दूध निकलता है, इसमें पानी निकलता है, ये उंगली से गड़ा, पब्लिक बैठ जाती है। अच्छा, आप तो गांव की हो, तो ये जमीन वमीन कब्जा करते हैं क्या बाबा? क्या हुआ? जमीन वमीन पर भी कब्जा करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, दूसरे की जमीन पर कब्जा नहीं करते। कभी छिड़खानी के आरोप भी सुने हैं कि छिड़खानी के आरोप लगे हैं बाबा पे? हाँ, वो लगे होंगे, लेकिन लड़की लड़की तो बताई नहीं कि तीन गाड़ी रहती थी इनके पास। कहाँ पे रहती थी? इनके साथ बाबा के साथ तीन लड़कियां रहती थी। तीन गाड़ी मतलब एक बार खुल के बता दीजिए जरा। तीन गाड़ी लड़कियों की 12 से 17 के बीच में रहती थी इनके साथ, और जब ये पकड़े गए थे, बड़ा संगीन आरोप लगा रहे उन ये लोग, पकड़े गए जब इसे बाबा यहाँ आए भी नहीं है, पकड़े गए थे सत्यपाल आसाराम, ये लोग पकड़े गए और बाबा यहाँ से भाग गए, उस दिन से यहाँ आए नहीं। लड़कियाँ कहाँ की थी, बाहर की थी या फिर आसपास? हमारा तो आना ही जाना नहीं, कोई पता नहीं। कहाँ पे? यहीं सर। कैसे, ये लड़कियाँ बाहर की होती थी या बाहर की थी? अच्छा, गांव के लोगों ने देखा, मतलब आप लोगों ने देखा? आती थी बस में, आती थी पूरी बस में। केवल लड़कियों के इर्द गिर्द ही वो, मतलब लड़कियां इसकी सेवा करती थी, क्या करती थी वो बोल रहा। और जो इसकी पत्नी है वो तो साथ ही रहती है बाबा की पत्नी? साथ रहती है, अभी ये नहीं मालूम, यहाँ तो उस पर 14-15 साल से चल रहा है, बाहर रहती रहती, उसके बाद साथ रहती है, कहाँ रहती है कोई पता नहीं। और क्या क्या इसके बारे में जानकारी है? क्योंकि बाहर तो बड़ी स्वच्छ छवि है, बाबा चमत्कारिक है, बाबा दिव्य है, और ये जो भगवान बनते हैं कई बार, जो भक्त मानते हैं कि
निराकार रूप में भगवान रहता है लेकिन साकार रूप में बाबा। ये कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, जैसे हमारे यहाँ एक MBBS लड़का आया था एक बार, हम अपने खेत की नराई करके आ रहे थे, वो बम्बे पे अकस्मात मिल गया तो हमने पूछा भाई कहाँ से आए हो, तो वो राजस्थान का लड़का था, ये 15 साल पहले की बात है। तो हमने कहा कैसे आए यहाँ पे, कि हमारी माता जी आती थी यहाँ पे, कि हमारे घर में थोड़ी समस्या रहती है तो हमें उनको आराम है, कि नहीं वो आराम नहीं, हमारी मम्मी ने नहीं माना इसलिए हम भी आए हैं भाई। तो हमने कैसे क्या सुना तुमने, कि ये बताया है कि ये कच्चे धागे से कुआं में से निकाले गए हैं बाबा। अच्छा हाँ, तब ये इनको मतलब आसन दिया गया, तब रुके हैं ये, तब इन्हें सिद्धि मिली और तब ये लास्ट, तब ये यहाँ रुके हैं। तो वो ये कह, मतलब हमने ये कहा ये इनकी जन्मभूमि है, वो यहीं के रहने वाले। आपने सही बात बताई। हाँ सही बात। तो उस लड़के को जब पता लगी तो उसने कहा यार हम MBBS कर रहे हैं, हमारी मम्मी ने नहीं माना इसलिए आए, कि अब हम इसके बाद कभी नहीं आएंगे। तो ऐसी अफवाह इनके जो एजेंट हैं, इनके जो इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग जनता को बताते हैं, वो इस चक्कर में भी। एक तो अफवाहों के दम पर एक बड़ा साम्राज्य बना लिया, दूसरा लड़कियां भी इर्द गिर्द रहती हैं। पहले आती थी वो मतलब गाड़ी ड्रेस में, जो ये जो फौज बताते हैं ये इनकी होर्स है, वो इसी तरह से रहती थी। हाँ। एक कुंटल दूध कम से कम नहा के बाबा जी खीर बनाते, बाबा बैठ जाते थे, दूध से उनका स्नान होता था। हाँ दूध का स्नान होता था, फिर खीर बना के खवाई जाती प्रसाद। और उससे खीर से क्या होता है, खीर बांटी जाती प्रसाद बनाए के, वो प्रसाद हो गया। हाँ प्रसाद सब पब्लिक को बांटी जाती, मतलब बाबा भगवान है, बाबा के स्पर्श की खीर से। हाँ बाबा के मतलब खीर बना के प्रसाद में बांटी जाती है। उससे किसी का रोग शोक ठीक हुआ है क्या? है उससे किसी का रोग वगैरह ठीक हुआ है? नहीं रोग नहीं हुआ है। सही। बाबा पैसे भी लेते हैं क्या? पैसे अंदर लेते हैं। अच्छा कुछ लोग बता रहे थे बाबा का जो आश्रम है वहाँ जाने की इजाजत नहीं, वहाँ असला बहुत रखी हुई है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। सेवादार भी अंदर नहीं जाते? नहीं सेवादार अंदर जाते हैं, लेकिन नहीं वो बता रहे थे कि हम नहीं अंदर जाते, हमने बात की थी उनसे। नहीं सेवादार तो अंदर जाते हैं, लेकिन बाहर के जो दर्शन लोग आते हैं उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं है। अच्छा अलाउड नहीं, सारी चीजें गोपनीय रखी गई हैं। हाँ अलाउड नहीं है सब। अच्छा अंदर जाने की। आप गए हो कभी? मैं बचपन में गया हूँ, अभी फिलहाल देखा था। बचपन में छोटे थे चले जाते थे, बाबा जी के साथ भी घूम इधर उधर घूमते थे, मगर अभी फिलहाल। अब बाबा ऐसे थे क्या? तब बाबा ऐसे सत्संग वगैरह तो होता था, मगर नाट में भी होता था, मगर इस तरह से अब जो क्या ना मतलब 2014 से इस समय नहीं हुआ है। उससे पहले विशाल भी हुए थे, काफी ज्यादा किसानों का नुकसान हुआ था, इस वजह से यहाँ बंद कर दिया गया। अच्छा हाँ जैसे किसानों को नुकसान हो। बाबा फर्जी है या फिर कुछ बाबा में ताकत भी असली है ये इस बारे में? तो इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, कि मतलब जो भी है अपने श्रद्धालु जो मानते हैं, मगर हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। आप आ जाओ। तो देखिए बहुत सारे लोग हैं जो आपको भी मालूम है चमत्कार के बारे में कि नहीं? भाई देखो मैं तो कभी गया नहीं हूँ और न जाता हूँ कभी। कहानी तो सुनिए, ये लोग बता रहे हैं कहानी, ये एजेंट लोग सुनाते हैं कि हमारा ये हो गया, भला हो गया, ये भला हो गया, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। बाबा यहीं पैदा हुए, यही सारे काम किए, पुलिस में नौकरी की, उसके बाद भगवान का अवतार नहीं है बाबा? अरे भगवान का अवतार तो हुआ ही नहीं है, कलयुग में होगा ही नहीं। कैसे भगवान हो सकता है? इंसान को भगवान तो मैं तो कहता नहीं। इमारतें खड़ी करने के लिए बाबा जो है भगवान बन रहे हैं बस। इमारतें तो ये इनके एजेंट और कुछ लोग दान देते थे उससे बनी है। परिवार मिला हुआ है क्या? इनके चाचा जो इनका भाई जो प्रधान रहा है, एक भाई अभी नहीं है, नहीं, तो ये पूरा परिवार मिला हुआ है क्या? परिवार अलग रहता है इनका। अच्छा इनके प्रधान भाई हैं वो भी अलग रहते हैं, सब अलग रहते हैं। गाँव में मदद भी नहीं करते किसी की? वो किसी की मदद नहीं करते, वो अपने निजी कोई भी कितना भी संबंधी हो वो उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों आप लोगों की कभी नौकरी वोकरी लगवाने में मदद करते हैं क्या? जी सर हमें इतनी जानकारी नहीं है, पर इतनी जानकारी है ना, हमारे पापा सर पुलिस में ड्यूटी दी है। आपके पिताजी के साथ? हाँ। हमारे क्या बताया करते थे इनके बारे में? वो ये बताते ये बाबा आए जो हमारे सामने आए थे हमारे घर पे। अच्छा। और उसके बाद इन्हें यहाँ पे जो ड्रामा करो ये पता नहीं है। ड्रामा क्या था? मतलब नौकरी छोड़े चले आए, इन्हें तो बुड्ढी मारी थी, वो जेल में चले गए, जेल में छूटने के बाद आए थे। अच्छा भीड़ कब होती है यहाँ आश्रम पे? भीड़ तो जब से आ रही है,
कोई खास दिन है कि उस दिन? ना पहले मंदिर तो होती है, अब तो अब सब दिन चले जा रहे हैं। अच्छा, हाँ। बड़ी संख्या में लोग आते हैं? ना इतनी जनसंख्या नहीं है, 1000-2000 आते हैं, इतनी नहीं है। तो ये लोग हैं जो बाबा की भक्तों की जो थ्योरी है उसको खारिज कह रहे हैं। बाबा चमत्कारिक है ऐसा भक्तों का दावा है, लेकिन यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बाबा बवाली ज्यादा है, चमत्कार कम है। बाबा अपनी ढोंग की दुकान चला रहे हैं और जिसके दम पर उन्होंने बड़ी बड़ी आलिशान इमारतें खड़ी कर ली है। सहयोगी अभिषेक पचौरी और कैमरा पर्सन संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, कासगंज।